अब जेट के लिए एक चीज क्लियर कर देते हैं, जेट में क्या होता है ना, जब परसेंटाइल हमारा कैलकुलेट होता है उसमें जीके जो क्वेश्चंस रहता है, जीके का जो मार्क्स रहता है वो आपको कैलकुलेट नहीं करता है, ठीक है। तो क्या है ना, उसमें एक चीज़ है बिल्कुल जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो आपको जो बेसिक जो है वो आपको मतलब वन सेकेंड, बेसिक जो है आपको VALR मतलब वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एंड आपको डिसीजन मेकिंग का जो परसेंटेज रहेगा, परसेंटाइल रहेगा, वही आपका कैलकुलेट होगा आपको जेट में टोटल में, ठीक है ना। जीके का वाला पोर्शन कैलकुलेट नहीं करता, लेकिन आपको एक्सएलआर जमशेदपुर में एडमिशन लेना है या आपको कोई भी एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है, एक्सएलआर जमशेदपुर में सेक्शनल कट ऑफ भी है, VALR का सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ रहेगा एंड आपको डिसीजन मेकिंग का भी सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। तो वन सेकेंड आपको मैं बोल रहा हूँ, यार आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जीके का जब उसमें ऐड नहीं होता है, जीके का एकदम पूरा एक एक नंबर करके रहता है उसमें, एकदम फुल मार्क्स 20 नंबर ऑफ जीके विल बी देयर, तो उसके साथ रेक्टर रखता है तो आपको 15 मिनट देता है वो, दैट इज़ फॉर योर एसे, उसमें 5 मिनट देता है कि टेस्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड ठीक है कि नहीं है, 20 मिनट भी दे सकता है लेकिन आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा देता है, ठीक है। तो वो जो आधा घंटा एक्स्ट्रा देता है उसमें आपको एसेस रहता है, तो टोटल एसेज आपको 3-4 को पढ़ के जाओगे तो दे विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट, आपको कॉमन मिल जाता है ऐसे, ओके। तो आप पीछे वाला क्वेश्चन देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार पीछे वाला क्वेश्चन को देखो, कैट का प्रिपरेशन करते टाइम में अभी पुराना 10-20 साल का क्वेश्चन देखो, IIFT का प्रिपरेशन करते टाइम में पुराना क्वेश्चन देखो, जेट का पुराना क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट हो जाएगा। सो होप फॉर द बेस्ट। तो इसमें क्या होता है ना, उस जो जीके का जब नंबर नहीं कैलकुलेट करते हैं उसका, लेकिन मैं क्यों इतना सोचूं फॉर जेड, लेकिन आपको IIFT देना है, आपको जेड देना है, तो दोनों में अंतर मिलेगा। IIFT का आपको कैलकुलेट होता है, CMAT का करंट अफेयर सब कैलकुलेट होते हैं, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, ओके। सो वन सेकेंड आपको मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, जेड में VALR वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, आपको डिसीजन मेकिंग एंड आपको क्वांट अच्छा से पढ़ो, बहुत अच्छा से पढ़ो, ठीक है ना, तब जाकर थोड़ा सा कुछ हो पाएगा, ओके। अदरवाइज आपको नहीं होगा। जेट में भी कंपटीशन कम नहीं है आज का डेट में, लास्ट ईयर क्या होता ना, क्वेश्चंस गलत था तो सबको मार्क्स दे चुका है 2-2 नंबर करके, उसमें क्या होगा ना, किसी का परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ था लास्ट ईयर। तो कैट में हुआ था क्या ना, एक तो क्वेश्चंस गलत था तो उसमें प्रो रेटेड बेसिस में कैलकुलेट हुआ था, तो प्रो रेटेड बेसिस इज वेरी गुड, ओके, प्रो रेटेड बेसिस वेरी वेरी गुड। उसमें क्या होता है ना, मार्क्स किसी को मिलता नहीं है, लेकिन आपको परसेंटेज परसेंटाइल जब कैलकुलेट करता है उसका पैरालिप कैलकुलेट किया, ओके, इट इज़ ए वेरी गुड प्रोसेस। तो थोड़ा सा ध्यान दियो पढ़ाई पर, अदरवाइज आपको नहीं होगा। वन सेकेंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।